नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ अवधि मिश्रा। नवरात्रि पर ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 7,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि 58,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। 377 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 18,847 शौचालय का भी लोकार्पण किया है। वही 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास किया है। 58,000 से ज्यादा महिलाओं को इसके तहत रोजगार मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवरात्र पर ग्राम पंचायतों को बड़ी सौगात दी है योगी सरकार ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिससे 58,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसमें 377 ग्राम पंचायतों का लोकार्पण किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्य ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में पहली बार 21,414 पंचायत भवन और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का एक साथ शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने प्रमुख पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की। प्रदेश में पहली बार 21,414 पंचायत भवन और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का एक साथ शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18,847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण भी किया। ये हमारे लिए रोजगार देने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, और खास तौर पर रोजगार देने का माध्यम इसलिए प्रदेश के अंदर जो लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं जहां सामुदायिक शौचालय निर्मित हो रहे हैं, यानी 59,000 के आसपास यहां पर इतने नए रोजगार सृजन होंगे सामुदायिक शौचालय में। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से एक एक महिला को वहां पर रोजगार भी प्राप्त होगा, यानी 59,000 के आसपास रोजगार एक साथ हम इसके साथ देने जा रहे हैं। साथ ही यहां पर जो ग्राम सचिवालय पंचायत भवन के रूप में बन रहे हैं, गाँव के सार्वजनिक कार्यक्रमों को, मांगलिक कार्यक्रमों को संपन्न करने और गाँव के प्रतिदिन के रूटीन के कार्यों को भी संपन्न करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आने वाले समय में हम लोग सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के कहर के बीच आज से देश के कई हिस्सों में करीब 7 महीने, आपको बता दें कि अवनीश हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अवनीश, बड़ी सौगात दी है ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्या कुछ अपडेट देंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम में कई स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई सामुदायिक शौचालय और वहीं जिला पंचायत पंचायत भवन का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस शिलान्यास से कई लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हालांकि जो कोरोना का काल था वो अवसर में बदलने का प्रयास हुआ है, और जितने भी प्रवासी श्रमिक थे उनको कहीं ना कहीं रोजगार देने का काम हुआ, और उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में सामुदायिक शौचालय और भवन का निर्माण हो रहा है, उसका लोकार्पण हुआ, कई का शिलान्यास होना है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने की तैयारी है कि महिलाओं को ही रोजगार दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये एक बड़ा अवसर है और बड़ी नीति है सरकार की, जो रोजगार देने के लिए कि इस तरीके का सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का निर्माण हुआ है, उसमें जितने भी श्रमिक आएंगे उनको भी रोजगार देने का अवसर प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर जो सरकार की मंशा थी, सरकार ने पहले ही कह दिया था कि जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार दिया जाए, उनको जितने भी सरकार की योजना है उनसे जोड़ा जाए, उसी योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस अभियान को चलाया है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेबकास्ट के माध्यम से बातचीत की है, उसके लिए तैयारी की गई थी। जितने भी पंचायत भवन है वहाँ पे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई थी, जहाँ पे पंचायत प्रतिनिधियों को बैठाया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और किस तरीके से पंचायतों में और विकास किया जा सकता है उसको लेकर बातचीत की। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कहीं से भी पीछे नहीं हटेगी, सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, सरकार जितने भी स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत जो योजना ला रही है उसको पूरा करेगी, और कहीं से भी धनराशि की कमी नहीं होगी, और जितने भी युवा होंगे चाहे महिलाएं होंगी उनको रोजगार से जोड़ने की कहीं ना कहीं तैयारी है। और इस तरीके का अभियान उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है, योगी सरकार में इस तरीके का अभियान हुआ है। तो उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि इस तरीके का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, और भी जितने भी पंचायतों में विकास कार्य करवाना है वो विकास कार्य होंगे, और जो योजनाएँ होंगी वो योजना लाई जाएंगी, और जितने भी प्रस्ताव अभी लंबित हैं उनको कैबिनेट
कैबिनेट में पास किया जाएगा, उसके बाद जितने भी पंचायत स्तर पे जो योजना लाएगी, जो भी शिलान्यास और लोकार्पण होने हैं वो किया जाएगा। तो हालांकि अभी हाल ही में पंचायत चुनाव भी होने हैं, कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि इस तरीके का बढ़िया अभियान छेड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत में अपनी सफलता का रास्ता खोला हुआ है। और अब देखना होगा कि जब पंचायत चुनाव होंगे तो जो इतने अभियान चल रहे हैं, जो इतने लोकार्पण हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, उसका कितना असर देखने को मिलता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश।